नमस्कार दोस्तों, एम के एस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो साहिबगंज में आए एक बहुत बड़े संत महात्मा और उनके पीछे था लोगों का बहुत बड़ा हुजूम और हाथी घोड़े पालकी के साथ बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे थे। और उन्होंने सोहनपुर मठिया को चुना, 9 दिनों का विधिवत पूजा आरम्भ किया और साथ में लोग जो हैं उनके साथ जुड़ चले इस भव्य पूजा आरम्भ में। तो देखिए किस प्रकार से ये पूजा प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, सोहनपुर मठिया में ही एक विशाल कुटिया का आयोजन किया गया और लोग प्रतिदिन आकर इसकी परिक्रमा करते थे और पूजा आराधना करते थे और 9 दिनों तक यहां पर विधिवत हवन पूजन आदि चलता रहा और साहिबगंज के सभी जगह से लोग आकर यहां पर मठिया सोहनपुर मठिया में आकर इस जगह का आनंद लिए। और देखिए किस प्रकार से हर चीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। और आपको बताते चले कि सोहनपुर मठिया तालबन्ना के आगे एक छोटा सा जगह है जहाँ पर कि 9 दिनों तक भव्य पूजा का आरंभ किया गया और इसमें लगभग 1008 महिलाओं ने, लड़कियों ने शामिल होकर कलश यात्रा को विधिवत शुभारंभ किया। देखिए आप किस तरह से सभी औरतें बच्चे इसमें शामिल होकर इसमें पार्टिसिपेट किए। जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक सभी औरतों के बच्चों के सिर पर कलश। और तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में लोगों का भीड़ है यहां पर और अब दिल थाम के बैठे आ चुके हैं बाबा महंत दास, जो कि एक पीछे फोर व्हीलर गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं और सभी भक्तगण के आगे आगे। ये देखिए बाबा पीले व सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए झंडे हैं और ये देखिए उनके सिर पर एक ताज भी है। लोग इस प्रकार से उनके आगे और पीछे किए हुए हैं। तो दोस्तों, आपने देखा अभी एक भक्तिपूर्ण ब्लॉग का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक किए करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।